एनजीओ से एनजीओ एक ही होता है, नाम अलग अलग होता है। एनजीओ तो है, नाम कौन सा है? नाम क्या एनजीओ का? कहाँ से बता रहे हैं आप? कहीं से भी यार सेवा कर रहे हैं। ये तो रहे, ये रहे। सेफ फॉरेस्ट एनिमल मिशन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखा कि हम आए दिन रेस्क्यू करते रहते हैं किसी न किसी पशु का। तो ऐसे ही हमने 15 तारीख को हमें सूचना मिलती है 3 बजे कि एक गौ माता के बहुत ज़्यादा सीरियस हालात हैं और चोटिल हैं वो, और पीछे से पैरालाइज भी हो चुकी है। आप आएँ और देखें। तो हमारी टीम में से मैं गया था और जब मैंने देखा तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। खून रुक ही नहीं रहा था। खून को रोकने के लिए हमने दवाई लगाई, जैसे तैसे खून रुक गया, पट्टी भी कर दी। फिर उसके 2 घंटे बाद हमें दोबारा सूचना आई वहाँ से कि जो गौ माता का दोबारा से खून चालू हो गया। तो हमने फिर दोबारा उस पर पट्टी लगा कर और गमछे बंधवा कर जैसे तैसे उसको बंद करा। फिर सूचना मिलते कि वो जो गौ माता है वो बेकार हो चुकी है, अब चल नहीं सकती। तो हमने फिर आगे मदद मांगी हमारे यमुना बिहार के गोरक्षक दल भाई अमन राजपूत भाई, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा टीम के साथ मिलकर, एनजीओ की टीम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करा, और जिससे हमने बवाना की एक गौशाला से संपर्क करा, और वो बवाना की गौशाला कल रात को 11:30 बजे आई और हमने 12 बजे तक गौ माता को बवाना की गौशाला में सुरक्षित भेज दिया। और जब तक गौ माता के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गोरक्षक दल का, पूरे बजरंग दल का, हमारे भाई बड़े भाई कालू बजरंगी जी का, और हमारे अमन राजपूत जी का, और हमारे दीपक भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करा एनजीओ की टीम के साथ मिलकर और आश्वासन भी दिया आगे भी वो हमारे साथ ऐसे ही मिलकर सेवा करते रहेंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।